वेलकम टू माय चैनल दुश्मन हैकर। तो गाइस जो आज की वीडियो भाई काफ़ी खास है, तो मैं कसम है कि यार आपको आज की वीडियो पूरी देखनी, क्योंकि भाई अब बज चुके हैं नाइट के 10:45 और यार काफ़ी देर से, मतलब जिसे बोलते हैं ना काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ कि कब जाके 11 बजे बजने में नहीं आ रहे यार। तो भाई आज एक ऐसी जगह जाने वाले हैं, ऐसी जगह जहाँ मतलब कि भगवान किसी को ना बुलाए और ना ही ऐसा दिन किसी को दिखाए कि दोस्तों इस दिन खतरनाक, और आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक है जहाँ कभी ना बोला। और दोस्तों जितना प्यार आपने पहली वीडियो को दिया ना, कसम से यार दिल खुश हो गया, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा लाइक और सबसे ज़्यादा कमेंट यार उसी वीडियो पे एक ही दिन में 600 मिनट का वॉच टाइम मिला, तो यार सभी ने अच्छी बताई। तो यार उसी श्रेणी में हम आज नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। तो भाई अभी बज चुके हैं 10:45, आज मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ एक मेरा छोटा दोस्त आया, ये रहा भाई, ये रहा जो हमारा सभी काम करता है वीडियो एडिटिंग से लेकर अपलोडिंग तक। तो भाई अब पहुंचते हैं हम फिर वहाँ पर और फिर देखते हैं कैसा रिएक्शन रहता, क्या रहता है, और वहीं जाकर ना आपको कुछ इंटरेस्टिंग से मतलब बात बताऊँ बहुत ही खास। तो यार सभी वीडियो को एंड तक देखना। और पहुँचते यार अभी फिलहाल मैं 3 किलोमीटर की दूरी पर चल के आया हूँ घर से, तो यार ठंड सी लग रही थोड़ी थोड़ी, और वैसे भी क्वालिटी भी ठीक ठाक आ रही। सभी भाई कह रहे कि उस वीडियो की क्वालिटी नहीं, मतलब यार जब 144 पे देखेंगे क्वालिटी का कद्दू में आवेगी, कम से कम 360 पे तो देखा करो, वीडियो क्वालिटी तो काफ़ी खास रहती है, क्योंकि यार मैं 4K में ही शूट करता हूँ और 4K में ही एडिट करता हूँ। तो चलिए फिर वहीं जाकर बात करता हूँ आपके शमशान घाट पर, काफ़ी खतरनाक शमशान घाट है हमारा। चलो देखेंगे वहीं जाकर कहा हुआ था कुछ, हम रिकॉर्ड कर पाएँ ना कर पाएँ क्योंकि यार वहीं पर तो चले ही भाई। चल रेडी 1 2 3 तो फाइनली दोस्तों काफी अपार सफलता के बाद मैं और मेरा दोस्त तेरा और हमने अपनी आभूषा खड़ी कर दी है, 1200 cc की है, बहुत भाग दी है। तो भाई और फाइनली यार तारा भी खुला मिला, क्योंकि मैं पहले ही बोल गया था तब उसे, मैंने यार मैं वीडियो बनाने आऊँगा तो इसका तार खोल के रखना, बोल की टेंशन मत, तू कह दो रात को 12 बजे मैं आ जाऊँ, टेंशन मत कह रही, कोई बात ना हो यार अपने ही पर्सनल आदमी। भाई पहुँचते हैं फिर और देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है भाई, ये खुल गो और भाई आ जाओ छोटू। तो हम पहुँच लेते हैं वहीं पर और भाई देखें कसम से यार जो हमारा शमशान घाट है ना इतना सुंदर है, इतना सुंदर वाकई में यार देखने लायक है। अगर मैं दिन में कैमरा लेकर आता ना इतने साइनेमेटिक शॉट देता हूँ यहाँ के, तो मैं इतने साइनेमेटिक शॉट देता हूँ कि आप ये सोचते कि वाकई में दोस्तों शमशान ही घाट है जिसे बोलते हैं ना, ईमानदारी से बहुत ही प्यारा। और यहाँ पर भाई इसमें फसल वसल भी होती हैं, क्योंकि एक ऐसा राजा महाराजा के घर भी ना है, पार्क भी ना है, शमशान घाट है हमारे। तो भाई फाइनली ये वो जगह है जहाँ पे हम दाग वाग लगाते हैं, जैसे थोड़ी सी ब्रेसलेट को उड़ा देता हूँ तो हाँ। तो भाई हम फुल खींच दें, दे रही फाइनली मेरे ऊपर जो आपको दिख रही है, शायद जूम करके दिखाऊं, मैं बैक स्क्रीन से दिखाऊं तो मैं है ना। तो ये जो वो यहाँ पे हमारे दाग वाग लगाते हैं, जैसे ये जगह है यहाँ पे इसके नीचे ये और एड का, और भाई बहुत ही चौड़ जा सकते हैं ना, बहुत ही चौड़ो मैदान है, बहुत ही चौड़ो, क्योंकि यार हमारे जो शमशान घाट है बहुत ही काफ़ी सुंदर औसम है यार, जैसे कहते हैं ना औसम। देखो यहाँ पर लगते हैं दाग, यहाँ इधर हमारे यहाँ पे इधर लगते हैं। अब पहले तो क्या थी ना, तो गई रुक जाती एक सेकंड, तो गई पहले जब 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 ये बने नहीं थे तो पता क्या यहाँ पर पानी भरा रहता था, यहाँ मट्टी वट्टी कुछ नहीं, लेकिन अब तो यार काफ़ी सुंदर और समय और कुछ यहाँ पे लगते हैं दाग, और देखो वहाँ पे भी लगते। अब तो यार इसमें सभी फसल की गई है, मतलब कि अभी धान कटे हैं शायद, इसमें ना बरसम बो रहे हैं, मतलब बरसम रहती है ना जो खेती बाड़ी सभी जानते हैं, तो यहाँ पर बोने की बोल रहे थे आज दिन में आया था जब तब से बात करके गया, वो बोल रहे थे कि आज यहाँ पर बरसम बोएंगे, वो मेरे नाम जानता है क्योंकि हम बरसम बोएंगे, क्योंकि वो हमारे पर्सनल रिलेटिव में थे जो हमें मतलब जो आपको वो है कहा है आपको इंचार्ज कर रहा फॉर्म ने वन की, मैंने की लॉक खोल दी हो, मैं कहूँ मैं वीडियो बनाने वन की बेटर तू टेंशन मतलब मैं तेरे साथ हूँ। तो दोस्तों चलिए एक ऐसी जगह पर बैठते हो फिर आपको एक ऐसी बात बताता हूँ रहस्यमयी जो आज तक आपने नहीं सोची होगी ना ही समझी होगी। तो भाई चलिए
यहाँ पे बैठने की सिस्टम है, ऐसी कोई बात नहीं, बस काफी तगड़ा ऑसम यार जैसे बोलते हैं ना, ऑसम। और अभी भाई टाइम काफी हो रहा है तो वहाँ पर भी भाई मैं पहुँच गया बैठने का जगह पर। अरे है तो डरावनी सी जगह पर, लेकिन इतना डर आज ना लग रहा हो जितना वहाँ दिन लगो, क्योंकि दोस्तों वहाँ दिन तो मुझे इतना डर लगो जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ ना, वीडियो एडिट कर रहा हूँ रात में यहाँ से जाकर वीडियो बना के, तो मैंने वीडियो एडिट कर ली, एडिट करके मैं दोबारा देख ना पाया, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा हूँ वहाँ दिन, लेकिन आज ना लग रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम 12 भी ना बज रहे, 11 बजने में भी कहता रहा, फिर भी इधर साइड में जुताई हो रही है, मतलब ट्रैक्टर भी चल रहे हैं अभी, क्योंकि आजकल ऐसे ही काम का सा सीजन चलता रहता है ना, सभी काम करते। तो दोस्तों क्या सच में भूत प्रेत रहते हैं? सभी ये सोचते हैं क्या भूत प्रेत? तो दोस्तों मेरा मानना, या फिर साइंस तो नहीं कहती कि भूत रहते हैं, लेकिन मेरा मानना और जिन्होंने देखा उनका मानना ये है कि भूत प्रेत रहते हैं। अब दोस्तों ये एक बात यहाँ से ये नया सवाल निकल कर आ जाता है, क्या भूत प्रेत रहते हैं? तो मतलब कैसे बनते हैं भूत प्रेत, जिन्न, अघोरी, ब्रह्मराक्षस, मतलब कैसे बनते हैं? तो ये भी एक सवाल है। तो दोस्तों भूत सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन पाए जाते हैं? मतलब भूत, फिर प्रेत, फिर जिंद, फिर अगोरी, फिर पाए जावे ब्रह्मराक्षस। अब ये भाई कैसे बने, इनकी भी तो एक बात है, बंद कैसे हैं, भूत कैसे बने? तो सबसे बड़ा रीजन ये हुआ, भूतों को तो भाई जैसे ऊपर से जाके उम्र है 50 साल, और ये आके बचपन जवानी में मर गो, कहीं एक्सीडेंट में, दुर्घटना में, कहीं भी चीज़ में कैसे मर गो, और ये तो पक्की ऐसा हो रहा है कि दुर्घटना से मतलब एक्सीडेंट से मरो तो बने कोई भूत ही, यूँ तो पक्की है यार, मैंने भी सुना और मैंने काफ़ी बार देखो। तो यूँ तो दोस्तों ये होगी प्रेत, प्रेत क्यों बने? जैसे प्रेत मतलब नॉर्मल पढ़े लिखे रहे हैं ना, नॉर्मल पढ़े लिखे जैसे जिन्हें थोड़ा घनों ज्ञान रहे हुए, जिन्होंने कभी कभी रामायण पढ़ रखी हो, कभी थोड़े घने अध्याय पढ़ रखे हो, श्लोक पढ़ रखे हो, तो वो बनते हैं प्रेत। अब दोस्तों आ जाती है बात जिंदन पर, जिंद कौन बनते हैं? जिंद तो वो तो जिंद बनते हैं जैसे जैसे मौलवी हैं, मुल्ला जी, इनको काफ़ी सारी इन कुरान पढ़ी रहती है, बहुत सारी नॉलेज रहे हुए इनने, अभी ये बन जाते हैं, इनकी उम्र पूरी नहीं होती तो कोई दुर्घटनाग्रस्त बनता, क्योंकि बहुत कम मिले जिंद, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे ऑल इंडिया के अंदर 3% 4% मिल सके बेस्ट कास्ट, इतनी ही है। और फिर उसके बाद में आ जाती है दोस्तों अघोरी, अघोरी कौन रहते हैं? अघोरी कैसे बनते? अघोरी इनको तो सिर्फ नाम भी पता चल रहा है, अघोरी अघोरी जैसे अघोरी रहे में जैसे नाम है ना, एक एक दो दो महीना, तीन तीन चार चार महीने कोड़ीन की तरह रहे हैं, जैसे हमारे गाँव में भी है एक दो ऐसी, लेकिन बने कौन, कोई बने दोस्तों ये अध्याय मतलब 18 अध्याय में श्लोक हैं, तो उनमें बताया गया भगवान श्री कृष्ण से पूछो तो काई ने मोजस जीव ने, तो वहाँ ने वहाँ बताएगा, वहाँ इनकी प्रस्तुति करी, जाने पढ़ रहा की होगी श्रीमद भागवत गीता तो वहाँ शपथ होगी जो यहाँ दे दीजिए। अब दोस्तों आ जाती है अघोरी के पास ब्रह्मराक्षस, ब्रह्मराक्षस मतलब 2% मिले हैं दुनिया में, 2% वो कौन, मतलब जैसे पंडित हैं, पंडित जिन्हें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ज्ञान रहता है, वो जैसे किसी से चंदा लेते हैं या फिर भगवान के नाम पर लेके और उसे कहीं लगाते नहीं, तो वो शौर है कि वो ब्रह्मराक्षस ही बनेंगे मर के, क्योंकि भगवान उनको दंड दे देता है तो मैं ब्रह्मराक्षस मानना। और जिसके ऊपर दोस्तों एक बार ब्रह्मराक्षस आ गए ना, उसकी तो ना 2 दिन पीढ़ी खत्म हो जाएगी, पर लेकिन उसे वो ख़त्म नहीं कर पाएगा ब्रह्मराक्षस, क्योंकि ये एक तो आसानी से आता नहीं है, और दूसरी बात है आ जाता तो फिर जाता भी नहीं है, इसकी एक भी खास लेते तो ये तो दोस्तों रहा ब्रह्मराक्षस और इनके बारे में बात। अगर आपको विस्तृत में जानना हो तो आप इस साइड पर पढ़ सकते हैं, मैं आर्टिकल लिख दूँगा और जाके आज तो ना एक आधे नाम लिख दूँगा, पर लेकिन यू ही है दोस्तों मानना, तो कि जैसे ब्रह्मराक्षस रहते हैं तो यही बनते हैं, और तो कुछ नहीं भाई। और रोचक बात सुनो, मज़ा तो आ रहा होगा तुम सुनने में है ना, तो और सुनाऊँगा थोड़ी, मैं इधर उधर घूम आऊँ तो मैं दिखा कर लाऊँगा, तो दोस्तों मेरे पीछे आप पेड़ देख रहे हो, मैं थोड़ी सी ना कैमरे की ब्राइट लाइट बढ़ाऊँ और जब दिखाऊँ तुम्हें ना, बैठने की जगह तो ये है मैं आप बैठ के, तो भाई जहाँ पर मैं बैठ के अभी लेक्चर दे रहा हूँ ना यू है, और मेरे कैमरा में यार काफ़ी वजन है, जाते हमें ना 1.5-2 kg की समथिंग वजन रहे हुए, क्योंकि एक कैमरा फिर एक स्टैंड हाथ को फिर ऊपर लाइट, तो काफ़ी वजन रहे हुए, अब डर सो लगना चालू है वो सच में यार, डर सो लगा है, क्योंकि दोस्तों डर तो मेरे को इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरे ऊपर बहुत तगड़ी लाइट है, बहुत ही ज़्यादा फेस लाइट है, तो ऐसा लगता है मैं फेस में देख के मुझे कुछ नहीं, पर लेकिन ऐसी अजीब गरीब सी फीलिंग आती है जैसे मतलब जैसे इधर से, लेकिन जब हम टॉर्च लगाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कोई नहीं नॉर्मल है। और वो मेरे छोटा भाई यहीं बाहर बैठा है, मैं गेट पे मैंने फोन दिया है, तो भाई काफ़ी सुंदर पेड़ है, दिन में मैं इसमें आया था, मैंने कैमरा नहीं लाया, नहीं तो बहुत तगड़े तगड़े सिनेमैटिक शॉट देते यार, ऐसा ना जिसके हमें ना कि यार दुनिया के मैंने देखे जहाँ मतलब कि जिनके रहने वो शमशान घाट वहाँ पर जगह भी ना रहे पर, लेकिन हमारे यहाँ शमशान घाट बहुत काफ़ी सुंदर है, और भगवान हम तुम्हें कहें कही है शमशान घाट के दर्शन भी ना करवावे। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी रोचक बनी है, काफ़ी मज़ा आया, क्वालिटी भी अच्छी है,
तो क्या करनी है, लाइक करनी है, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि भाई यहाँ हर सैटरडे एक ऐसी डरावनी जगह पर जाया जाओ है जहाँ मतलब जाने तो सब कुछ डर है, पर लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं। और दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत ही खतरनाक जगह जाएंगे, बहुत ही खतरनाक, और वहाँ के बारे में हमारे पूर्वज बताते हैं हमें, वहाँ बहुत बहुत बड़े किस्सा हैं, तो उन किस्सा को वहीं जाकर सुनाऊंगा। तो भाई ये हमारा मेरी आँखों में क्या हो गया, काफ़ी तोड़ और यहाँ पर इसमें लेटरिन बाथरूम भी है साथ ही साथ, बैठने का सिस्टम सब कुछ है यार इसमें, एकदम रोचक जगह है जाके हमें ना ऑसम। तो भाई फिलहाल इसमें अभी मतलब उसकी खेती धानों की धान कटे हैं। तो भाई मैं जन कहाँ घूम तो निकल गया हूँ, पता ही ना पड़ा यार, मैं ऐसा लगे जब मैं लाइट बात करूँ ना तो मेरे सामने कुछ नाम है मुश्किल बच्चा देख लो ना देख लो। तो भाई चलिए फिर यार हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और बैठने की सिस्टम इसमें तगड़ा ही बना पा रहा है, क्योंकि भाई इसमें बहुत ही पैसा लगा, चंदा उक्के क्या बोलते हैं चंदा, और यहाँ भाई नींद भी सब कुछ। ओ गाइस अभी पहुँचते हैं अपनी हाउस के पास, और भाई हम अपनी बैग में धंसे हैं फिर से कैमरा वैमराओं को, और पहुँचते हैं भाई वहाँ। आज की वीडियो में भाई 11 तो ना बज रहे जब कैमे ना कि 11 यार बिल्कुल भी ना, मैं कहीं झूठ बोल रही हूँ, तो अभी 10:59 हुई है, क्योंकि यार ये थोड़ी हमारा घर से ना बहुत दूर पड़ जा उस कैमे ना 3-4 किलोमीटर, मोटरसाइकिल घुमा के लिए काम यूँ बहुत टाइम लग जाए, पर लेकिन यार आज पास में ट्रैक्टर ही चल रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना ट्रैक्टर खेती जोत रही, क्योंकि यार आज ऑल राइट गाइस। तो भाई अब फिलहाल बज गए मतलब 11, और यार इतना डर तो ना लग रहा क्योंकि भूतों को समय रह वो 12 बजे तक रह 12 बज के 10 मिनट से चालू हो जाए मतलब श्रीमद भागवत गीता में बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैंने कुछ श्लोक पढ़ के देखे। तो भाई अब चले हम फिलहाल घर को चले भाई, बिल्कुल रेडी, डर तो ना लग रहा बिल्कुल भी, अब दो भाई आए हैं डर कैसे लग जाएगा आज। तो भाई हम पहुँचते हैं, मेरे हाथ में दर्द कर रहा हूँ काफ़ी तगड़ो ही कैमरा क्या ले लो है ना, तो फिलहाल में तो मैं दिखाने की बहुत ही कोशिश की, बहुत ही डरावना हो तो बहुत है, बट लेकिन यार इसकी जो सफाई तबीयत है ना उसमें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल डर भी, क्योंकि इसकी जो वाकई में सफाईत करी। चलें भाई घर को, तो भाई हम चलते हैं अपनी हाउस पे और पहुँचते हैं फिर घर, और घर तक जाने का आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि पूरा गांव हमें सुनसान मिलेगा जैसे बोलते हो ना सुनसान कोई नहीं, और फिलहाल मतलब जाड़ों में ना इस जाड़े रहते हैं तो जाड़े का टाइम मतलब कि 10 के समथिंग और गर्मियों का 1 बराबर रहता है, क्योंकि यार तुम सब पता हो, पर लेकिन अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है सबके टाइम। तो फाइनल दोस्तों अब चलते हैं हम घर पर, 11:05 हो रही है, पर इतना डरावना तो नहीं लग रहा, पर डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा, क्यों डर लग रहा हो, लग रहा कुछ लग रहा है नॉर्मल की, और ये कार्ड ना जो मोबाइल कार्ड फुल है वो, क्योंकि यहाँ के जो 1 मिनट की 2 मिनट की शूटिंग हो गई 1 GB हो, हमने कोई 10-15-20 मिनट से ज़्यादा की हुई 16 GB की फोटो हो गई, मतलब पहले इसमें कुछ वीडियो थी जो हमने बहुत दिन से कट्टी कर रखी, मतलब फॉर्मेट में नहीं आ रही दोबारा से मतलब डिलीट करिए भाई, हमें इसका लॉक लगा के जाते हैं और अपनी हाउसा पर बैठते हैं, लगा इसका लॉक गेट लगा दें, गेट लगा के जब चलेंगे पर, लेकिन यार जब दो आदमी रहे जा रहा अपने पास रहे तो भाई चलना लगे। चलो ठीक है सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो को, देख के लाइक करते हैं ना, थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अगले सैटरडे, और काफ़ी खतरनाक है जो अगले सैटरडे जाने वाले हैं वहाँ जाके, ठीक है भाई। तो भाई फाइनली आ चुके हैं घर पर, लेकिन किल्ले इतनी पड़ी है मोटरसाइकिल को निकाल मतलब भीतर लाने में इतनी गाली मिली है बाबा मौके, मतलब बहुत ही ज़्यादा गाली दी है बाबा ने, चुप चुप सुना के आ गए और हम आ चुके अपने घर भाई। तो फिलहाल मैं जाता हूँ ऊपर और एडिटिंग करता हूँ इस वीडियो, तू जा अपने घर निकल पहली फुर्सत है और मैं जाके एडिटिंग करूँ। तो किल्ले बहुत बनी, बहुत बुरी गाली मिली, बहुत ही ज़्यादा गाली दी। तो भाई हम आगे अपने घर, हमारे घर के सब सो गए सब, डर पाऊँगी कहाँ जाके ऊपर जाऊँगा ऊपर छोटे।